देवी कौन है, माँ भगवती कौन है, जैसे माँ आद्यशक्ति, माँ की अष्ट भुजाएं हैं, आठ भुजा वाली माँ है। आठ भुजा ही क्यों है, चार क्यों नहीं है, दो क्यों नहीं है? ये आठ भुजा प्रतीक है कि माँ आठ भुजाओं से रक्षा करती है इस पूरी प्रकृति की और चराचर जगत में वास करने वाले सभी जीव जंतु, नर नारी, पशु पक्षी, जलचर, थलचर, नभचर, सभी की रक्षा माँ करती है आठ दिशाओं से। आठ भुजा यानी आठ दिशाओं का प्रतीक है। चार दिशा उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, और चार दिशा चार कोने, यानी आठ दिशाओं से माँ रक्षा करती है, इसलिए माँ अष्टभुजाधारी है। और ये प्रकृति, ये भगवान है कहाँ, कहाँ पे हमारे भगवान है? क्या भगवान को कहीं बाहर ढूंढने की जरूरत है? क्या भगवान कहीं खोए हुए हैं जिसको तलाश करने की हमें जरूरत है? क्या भगवान कहीं दूर पहाड़ों पे बैठे हैं जिसको पाने की जरूरत है? भगवान है कहाँ? ये भगवान कहीं और नहीं, इतने करीब हम भगवान के हैं कि भगवान को हम पहचान ही नहीं पाते हैं। भगवान के बिना एक क्षण भी जीवन का चलना संभव नहीं है, लेकिन हमने कभी उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। हमारी हालत बिल्कुल उस समुद्र की मछली की तरह है। जब किसी मछली से कोई पूछता है कि समुद्र कहाँ है, तो मछली कहती है छोटी मछलियां हैं, बड़ी मछलियां हैं, बड़े बड़े सीप हैं, मोती हैं, शैवाल है, पत्थर है, चट्टान है समुद्र में, लेकिन समुद्र तो मुझे दिखता ही नहीं। मछली कहती है कि समुद्र तो मुझे कहीं दिखता ही नहीं है। जब पूछने वाला पूछता है कि क्या तुम समुद्र को तुमने कभी देखा नहीं, तो वो कहती है नहीं, मैंने समुद्र तो नहीं देखा है, मैंने तो मछलियों को देखा है, मैंने शैवालों को देखा है, मैंने दूसरे जीव जंतु को जो समुद्र में हैं उनको देखा है, लेकिन समुद्र तो कहीं दिखता ही नहीं। सुना तो बहुत है कि समुद्र है, समुद्र है, लेकिन समुद्र तो मुझे कभी दिखा ही नहीं। एक समय आता है जब मछली को समुद्र का पता चलता है। जिस समय कोई मछुआरा जाल फेंकता है और जाल में फंसा कर मछली को किनारे पे तड़पने के लिए फेंक देता है, उस दिन मछली को पता होता है कि समुद्र कहाँ है और समुद्र कहाँ था और समुद्र की कीमत मेरे जीवन में क्या है। समुद्र के बिना एक क्षण भी रहना मछली के लिए संभव नहीं है, लेकिन पूरी जिंदगी गुजार लेती है मगर समुद्र का पता ही नहीं चलता है कि समुद्र कहाँ है। वो तो धन्यवाद करती है बाद में, अगर किस्मत वाली होगी तो तड़पते तड़पते, या अगर मछुआरे का दिल पिघल जाए, दिल में प्रेम आ जाए और दोबारा अगर कभी मछली को फेंक दे पानी में, तो शुक्रगुजार होगी, धन्यवाद करेगी उस मछुआरे की और कहेगी कि आज तक मैं जिसके साथ रहती थी उसको तो मैं जान ही नहीं पाई, ए मछुआरे तूने मेरा परिचय करा दिया मेरे इस समुद्र से, तेरा बड़ा बड़ा बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा वो धन्यवाद करेगी, लेकिन किस्मत वाली मछली होगी तो दोबारा समुद्र में जाएगी। लेकिन अफसोस की बात है, हमारी भी हालत उस मछली से कुछ भिन्न नहीं है। हम भी उसी भगवान रूपी सागर में निरंतर रहते हैं और फिर हम ढूंढते हैं भगवान कहाँ है, मैंने तो देखा नहीं। मुझे कई लोग पूछते हैं आपने कभी भगवान को देखा, हंसी आती है। भगवान के बिना एक शब्द मैं बोल नहीं सकता, भगवान के बिना एक सांस भी मेरी जा नहीं सकती अंदर, भगवान के बिना मेरा खाना नहीं पच सकता, भगवान के बिना मैं तड़प तड़प कर भूखे मर जाऊंगा जिस दिन भगवान ने साथ छोड़ दिया। और तब लोग पूछते हैं भगवान को कभी देखा है, हम सब की भी वही हालत होने वाली है। मछली को तो कोई मछुआरा फेंक देता है किनारे पे, कहीं किस्मत वाली होगी तड़पते हुए चली आएगी, उछलते हुए समुद्र में आ सकती है। हमारा भी एक दिन मछुआरा आएगा और जब पकड़ कर लेकर जाएगा उस दिन पता चलेगा
कि भगवान कहाँ थे। जब जिंदगी छूटने लगेगी तो पता चलेगा जिंदगी की कीमत क्या है और किसके सहारे से हमारी जिंदगी चल रही है। कहाँ है भगवान, क्या आपने देखा है? मन में शंका हो रही होगी कि हमने तो नहीं देखा है। भगवान इन पांच अक्षरों से ही भगवान सामने प्रकट हो जाते हैं। हम सभी भूमि पे बैठे हैं, धरती पे बैठे हैं। उस भूमि का भाव है भगवान का पहला अक्षर। हम भूमि पे बैठे हैं, भूमि के बिना क्या हमें अन्न मिलेगा? भूमि के बिना, इस धरती के बिना क्या हमारा पेट भरेगा? ये धरती माँ अगर जगह नहीं देगी, ये जमीन नहीं देगी, तो क्या हम घर बना पाएंगे? ये धरती माँ अगर शांत नहीं रहेगी तो क्या हमारी जिंदगी की लीला चलते रहेगी? 1.5-2 साल पहले धरती मैया एक बार हिल गई थी थोड़ी देर के लिए, हमारी धड़कने रुकने लगी थी। ये धरती माता शांत होती है तब हम अपनी जिंदगी की गतिविधियों को चलाते हैं। ये धरती की मेहरबानी है हमारे ऊपर कि वो शांति से रहती है, तभी हम अपने जीवन की गतिविधियों को चला पाते हैं। वही धरती भूमि के रूप में जो भगवान का पहला अक्षर भ है, और भ के बाद जो दूसरा अक्षर है ग, ग यानी गगन, आकाश। इस जमीन और आकाश के बीच में ही तो हमारी सारी लीलाएं चल रही हैं। सुख में, दुख में, सुख में, शांति में, सफलता में, असफलता में, अमीरी में, गरीबी में, सारी घटनाएं जितनी भी घट रही हैं वो सभी इसी जमीन और आकाश के बीच में ही तो घट रही है। उसी गगन का वो दूसरा अक्षर जो है ग है, और जो तीसरा अक्षर है वो यानी वायु। वायु के बिना क्या आप कथा सुन सकते हैं? अगर सांसें नहीं चले, एक क्षण के लिए रुक जाए, तो क्या हम कुछ सुन पाएंगे, कुछ कर पाएंगे? सांसें चल रही हैं तभी हमारे जीवन में शांति है। और वो में एक आकार भी है, आकार अ है, अ अग्नि के लिए। अग्नि यानी ऊर्जा, शक्ति। अग्नि नहीं हो तो क्या जिंदगी चल पाएगी? जब इंसान बहुत बुजुर्ग और बीमार हो जाता है तो घर वाले लोग डॉक्टर साहब को तुरंत फोन करते हैं, उस समय जब उसके हाथ और पैर ठंडे होने लगते हैं, तब डॉक्टर साहब को फोन किया जाता है, डॉक्टर साहब बाबूजी का तलवा ठंडा हो रहा है, बाबूजी की हथेली ठंडी हो रही है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब अग्नि तत्व कम हो रही है, अग्नि साथ छोड़ रही है, अब इलाज की जरूरत है। अगर हमारे शरीर के अंदर आग नहीं हो तो क्या हमारे पैर चलेंगे? क्या हमारे हाथ चलेंगे? क्या हमारी आंखें देख पाएंगी? क्या मस्तिष्क सोच पाएगा? अग्नि के बिना कुछ नहीं हो सकता। वही अग्नि का अ है। और अंतिम अक्षर क्या है? न है, भगवान का अंतिम अक्षर न। न यानी नीर। नीर का मतलब होता है जल, पानी। क्या पानी के बिना जीवन संभव है? अब एक बात बताइए, इन पांच चीजों को अगर हटा दिया जाए हम सबके जीवन से, तो क्या एक क्षण के लिए भी हम जीवित रह पाएंगे? धरती हट जाए, अग्नि नहीं मिले, जल नहीं मिले, वायु की प्रक्रिया रुक जाए या गति रुक जाए, तो क्या हमारा जीवन संभव है? नहीं संभव है ना। तो क्या भगवान के बिना ये जीवन संभव है? हम भी उस अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी के साथ हमेशा हैं, इतने करीब हैं कि हमें उसका एहसास ही नहीं है। जो कहते हैं ना, जो आसानी से जो चीजें मिल जाती हैं उसकी कोई कदर नहीं होती है। धरती इतनी करीब है कि कदर नहीं है, वायु तो बहते ही रहती है, कदर नहीं है। आज तो गांवों में भी मैं देख रहा हूं कि लोग पानी खरीद के पी रहे हैं। मुझे दुख होता है कि जहां पे जिस घरों में बच्चों के लिए 50 रुपए का दूध पीना भी मुश्किल है, उन घरों में भी पानी लोग खरीद कर पी रहे हैं। जरा सोचिए, आज तो पानी खरीद कर पी रहे हैं, कल अगर हवा भी बिकनी शुरू हो जाएगी तो कितनी हवा खरीदेंगे, क्या होगा? और ये शुरुआत हो गई है इस धरती पे।
कनाडा की एक कंपनी, अमेरिका में भी एक कंपनी है, वो आती है हिमालय में और हिमालय में आकर बड़े बड़े सिलेंडरों में शुद्ध वायु भरती है और कनाडा में ले जाकर लोगों को बेचती है और लोग उस शुद्ध वायु को इस नाम से खरीदते हैं कि भारत के हिमालय का सबसे शुद्ध वायु है, तो बहुत मोटी कीमत देकर लोग उस ऑक्सीजन को, उस वायु को खरीदते हैं। ये शुरू हो चुका है दूसरे देशों में। वो काला दिन होगा जो भारत में भी लोग वायु खरीद कर इस्तेमाल करेंगे, आज जैसे पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। भगवान ने क्या दिया है? निःशुल्क दिया है, अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, सब कुछ निःशुल्क दिया है। यही भगवान है और उसी भगवान के साथ रहते हैं। जैसे मछली सागर में साथ रहती है, सागर के बिना जीवन संभव नहीं है, वैसे ही हम भगवान के अंदर हैं। भगवान हमारे अंदर है, भगवान हमारे बाहर है। अग्नि अंदर भी है, अग्नि बाहर भी है, वायु अंदर भी है, वायु बाहर भी है, धरती अंदर भी है सब्जियों के रूप में, धरती अनाज के रूप में, धरती अंदर जाती है और धरती बाहर भी है। हमेशा अंदर और बाहर भगवान हमारे रहते हैं। जैसे मछली के लिए सागर अंदर भी है, सागर का पानी, और सागर का पानी बाहर भी है, वैसे ही भगवान हमारे समीप है। फर्क सिर्फ इतना है कि हमारे पास तो कुछ है, अनमोल रत्न हीरा पड़ा है, लेकिन खबर नहीं है। एक भिखारी भीख मांग रहा था अपने कटोरे में, कटोरे में भीख मांग रहा है, दिन भर भीख मांगते रहा, बड़ी मुश्किल से शाम तक एक रोटी मिली थी उसको, और खा रहा था और रो रहा था, खा रहा था और रो रहा था कि हे भगवान, तुम कितने निर्दयी हो जो मुझे भर पेट खाना भी नहीं देते हो। रो रहा था, लेकिन भगवान क्या करे। जब रोने लगा बहुत ज्यादा, अचानक बैठे हुए बैठे मायूस होकर पेड़ की आड़ में टेक लेकर जब बैठ जाता है, जब बैठता है तो अचानक उसके हाथ चले जाते हैं, जो पुराना सा कोट पहना हुआ था उस कोट में उसके हाथ चले जाते हैं, फटे हुए कोट में हाथ जाते हैं तो कुछ अंदर टकराता है हाथ से, निकाल कर जब देखता है तो चमचमाता हुआ एक हीरा पड़ा हुआ था जो करोड़ों रुपए का था। करोड़ों रुपए का हीरा जेब में पड़ा है, लेकिन भीख मांग रहा है, रोटी रोटी के लिए तरस रहा है। यही हमारी जिंदगी है। करोड़ों रुपए के भगवान तो हमारे साथ ही रहते हैं प्रकृति के रूप में, लेकिन हम सोचते हैं कि भगवान कहीं मिल जाएंगे। हमेशा साथ में है, बस उसे समझने और महसूस करने की जरूरत है।